करनाल में कोरोना का एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। कोरोना का पॉजिटिव केस करनाल के सदर बाजार की इंदिरा कॉलोनी से आया है। व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है। इंदिरा कॉलोनी के उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है जहां कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना के पॉजिटिव केस लगातार सामने आ रहे हैं, वहीं करनाल में भी कोरोना के पॉजिटिव केस की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज करनाल का एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। ये केस करनाल की इंदिरा कॉलोनी में आया है। इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आसपास के इलाके को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। इलाके को सील करके पड़ोस के लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं जिस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हुआ है उसके परिवार के सभी सदस्यों के सैंपल लिए जाएंगे और आसपास के घरों के लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना पॉजिटिव केस की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। ये केस आने के साथ ही करनाल में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 20 हो गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 9 है, जबकि 10 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। फिलहाल लॉकडाउन में छूट है, लेकिन प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि बाजारों में भीड़ इकट्ठी ना हो, जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। क्या करने चाहेंगे, कहां से व्यक्ति आया था, ये दिल्ली से आया था कल, और ये सीधा यहाँ आने के बाद इन्होंने डायरेक्टली हॉस्पिटल में भेज दिया था चेकअप के लिए। तो उसकी रिपोर्ट, एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसके साथ दो बच्चे थे और एक उनकी वाइफ थी, तो उनकी नेगेटिव आई। तो इनको मतलब घर पे नहीं आया? नहीं, घर पे नहीं आया, वो इन्होंने बाहर के बाहर भेज दिया था चेकअप के लिए। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे एज ए जागरूक नागरिक के तौर पे बहुत अच्छा परिचय दिया इन्होंने। तो अब इनको, इनके पूरे घर को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा 14 दिन के लिए, 9 तारीख तक के लिए कर दिया गया। वाइफ और बच्चों का टेस्ट करवाया गया? हाँ, वो नेगेटिव आया उनका, अभी एक का ही पॉजिटिव आया है। तो वो बाकी दो बच्चे थे उनके साथ, एक लेडीज थी। 40 साल है, जो कि फैमिली में करीब 22 मेंबर है, बट इन्होंने एक ऐसा समझदारी का परिचय दिया कि कल इनका वो मेंबर दिल्ली से आया, तो इन्होंने उसको फ़ोन पर ये बोला कि आप पहले सीधा हॉस्पिटल जाओ, टेस्ट करवा कर फिर घर में आना। वो कल सीधा टेस्ट करवाने गया, जहां उसकी रिपोर्ट अभी पॉजिटिव आई है, उसे आइसोलेट कल का किया हुआ वहीं है। बट उसकी एक जो समझदारी का परिचय जो उसने दिया है कि उससे सारी गली, सारी कॉलोनी, सारी बस्ती और आस पड़ोस जो कि सेफ हो गया। तो देखिए, आपसे मैसेज भी है, अपील भी है, कृपया जिसकी भी हिस्ट्री है अपनी ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री, या कोई बाहर से आता है या कहीं से भी आता है, तो कृपया पहले प्रशासन को सूचित करें या हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवा कर घर आए। अभी एक उसने सिर्फ अपने परिवार के 22 सदस्य नहीं, बल्कि अपनी पूरी बस्ती, पूरी कॉलोनी और पूरी उसको ये कंटेनमेंट जोन बनता है, अभी सभी बंद होते हैं, सबका खाना पानी सभी अंदर 28 दिन के लिए थे, जो सबसे उसकी एक समझदारी का परिचय देता है। लेकिन उनकी वाइफ और दो बच्चे भी उनके साथ आए थे, तो उनका टेस्ट करवाया गया? देखिए, उनकी रिपोर्ट किसी, बाकी रिपोर्ट नेगेटिव है, सिर्फ एक उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बाकी इनके घर को क्वारंटाइन कर दिया है इस परिवार फैमिली को। ये अपने घर में ही रहेंगे, बाकी आस पड़ोस में जो भी आस पड़ोस ज्यादा नजदीक है उन सबको। सर, आप मार्केट के काफी ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.